सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम पार्ट थर्ड लेके आए हैं आपके लिए एमसीक्यूज का, प्रैक्टिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड का। आज जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका किसके बारे में? नॉर्थ अमेरिका के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उनको डिस्कशन ज़रूर किया जाएगा यहाँ पे। और आप यहाँ पे मैप देख सकते हो इसका, नॉर्थ अमेरिका का, और यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको और यूएस। और यहाँ पे अगर आप देखो, इक्वेटर है। इक्वेटर जो पास कर रहा है, कहाँ पे पास कर रहा है? इक्वेटर यहाँ पे पास नहीं करता है, सॉरी। और यहाँ पे जो पास कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है मैक्सिको से, ठीक है? मैक्सिको से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है। उस ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक पास कर रहा है कनाडा से, ठीक है? ऊपर देख सकते हो आप। और आपको पता है, ये आपका रहा ग्रीनलैंड। इसको बोलते हैं ग्रीनलैंड, जो कि सबसे बड़ा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीनलैंड आइलैंड है जो, ठीक है, डेनमार्क में है। सो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, ये जो लोकेशन आपको दिख रही है, ये आपकी एशिया के साथ अटैच है, ठीक है? मतलब आपको पता है, ग्लोब होता है जो पूरा राउंड शेप होता है, और यहाँ पे अटैच होगा ये इस पोर्शन से, ठीक है? यहाँ से जा सकता, इसको बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है? जब कोई भी टू वाटर बॉडीज कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। जैसे इंडिया श्रीलंका के भी नेचुरली होता है ये सारा कुछ। इंडिया और श्रीलंका के भी जो बीच है, उसको पाल्क स्ट्रेट बोला जाता है, तो ये आप सबको पता है। चलिए, एमसीक्यू उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अगर इस मैप की ज़रूरत पड़ी तो इस पर ज़रूर आएंगे और आपको दिखाएंगे। गाइस, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने रखा है यहाँ पे, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका को किसने डिस्कवर किया? ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये किया गया कोलंबस द्वारा, ठीक है? ये आपने पढ़ा होगा। जो अगर आपके पास लूसेंट की बुक है, या आपके पास अरिहंत मनोहर पांडे की बुक है, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट सेपरेट नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम एशिया। ये मैंने आपको बता दिया, वेरिंग स्टेट जो सेपरेट करती है, जो लोकेशन इसकी मैंने बता दी। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, स्टेट सेपरेट नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम एशिया। नॉर्थ अमेरिका को एशिया से कहाँ से सेपरेट करती है? बेरिंग स्टेट से, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, विच ऑफ द फ्लोइंग लेक्स एक्ट एज अ डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द यूएसए एंड कनाडा। कौन सी इनमें से जो लेक्स है वो एक्ट डिवाइडिंग लाइन है, जो आपकी यूएसए और कनाडा के, वो आपकी जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपकी है ग्रेट लेक्स और एसटी लॉरेंस रिवर, ठीक है? ये दोनों वहाँ पे इनको डिवाइड कर दिया लाइन को, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ मैप पे। यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हो लाइन्स, इसको डिवाइड किया गया है कनाडा और अमेरिका में, ठीक है? इसको कौन कौन करता है ये मैंने आपको बता दिया ऑप्शन में, ग्रेट लेक्स और लॉरेंस, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा हाईएस्ट पीक है, जो एक्टिव वोल्केनो है, वो कौन सा है? वो कौन सा है? वो है आपका माउंट मैकनीज। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ फिजियोग्राफी रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो इनमें से नॉर्थ पार्ट नहीं है, कैनेडियन शील्ड भी है, अगर आप इसका उसमें मैप में नहीं दिखेगा जो मैं दिखा रहा हूँ, प्लेजेंट माउंटेन्स भी है, अटलांटिक कोस्टल प्लेन्स भी है, और इथोपियन हाईलैंड्स नहीं है। इथोपियन हाईलैंड्स आपको अफ्रीका में मिलेगा शायद, कल पढ़ा था हमने, ठीक है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है वर्ल्ड की? वो है आपकी लेक सुपीरियर, ठीक है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है वर्ल्ड की? वो है लेक सुपीरियर। अगर इंडिया की बात करूँ तो वो आपकी बुल्ला लेक है, ठीक है? वर्ल्ड की बात करूँ तो लेक सुपीरियर, और इंडिया की बात की जाए तो बुल्ला लेक, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉर्थ अमेरिकन वाटरफॉल्स कंप्राइजेज ऑफ थ्री वाटरफॉल्स, कौन कौन से? हॉर्स शोर, अमेरिकन फॉल्स एंड ब्रिडल बेल फॉल्स। तो कौन से वाटरफॉल से कंप्राइजेज है नॉर्थ अमेरिका का जो फॉल है? वो है आपका नाइग्रा फॉल। कौन सा है? नाइग्रा फॉल है। वो तीन वाटरफॉल से कंप्राइजेज है, कौन सा? हॉर्स शोर फॉल से, अमेरिकन फॉल से और ब्रिडल बेल फॉल से। नाइग्रा फॉल्स बहुत सुना होगा आपको इसके बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। नॉर्थ अमेरिका कंट्री नोन एज शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड, कौन सी नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है जिसको शुगर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है? वो आपकी क्यूबा, ठीक है? क्यूबा इंपॉर्टेंट है, आ सकती है एग्जाम। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा,
लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर कहाँ से एग्ज़ाम में अगर आ गया कि कौन सी कंट्री में है, कनाडा में है या फिर यूएसए में है, तो ये आपकी यूएसए में है, ठीक है, लाइन है। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको लोकेशन इसकी मिलेगी, दिखा देता हूँ मैप पे। यहाँ पे देखिए लेक सुपीरियर ये आपको मिल जाएगी, आपको कहाँ से यूएसए में मिली, ठीक है। और लेक यहाँ पे देख सो, लेक विनिपेग यहाँ पे है, उसके बाद लेक हॉरन यहाँ पे है, लेक राई यहाँ पे है, और एंटेरियो यहाँ पे है, और बस यही है। विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ ग्रास लैंड फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में इनमें से कौन सा ग्रास लैंड है जो कि फाउंड होता है। तो एक तो ऑप्शन आप इलिमिनेट यहाँ से कर सकते हो, इलिमिनेट ये हो गया, ये अफेरिका में देखने को मिला था हमने, ठीक है, अफेरिका में सबना था, सहेल था, और भी कुछ इस टाइप के थे, पेरिस है, पेरिस जो आपका नॉर्थ अमेरिका में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है नॉर्थ अमेरिका। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि हाईएस्ट पीक कौन सी है नॉर्थ अमेरिका की, वो आपने बोला कि एमसी किनले, तो इसको डेनाली नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, डेनाली नाम से भी जाना जाता है, नॉर्थ अमेरिका में डेनाली होती है, बस इतना याद रखो। हाँ ये आ गया क्वेश्चन नॉर्थ अमेरिका की, आपको वर्ल्ड की पूछ सकते हैं, और लार्जेस्ट लेक कौन सी है नॉर्थ अमेरिका की, वो है लेक आपकी सुपीरियर आ जाएगी, और ये आपकी सुपीरियर फ्रेश वाटर लेक ऑफ दी वर्ल्ड भी है, तो कौन सी यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, जैसे मैंने आपको मैप पे आपको ये चीज़ मैंने दिखा दी है, कहता है कि लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका की लार्जेस्ट जो कंट्री है वो है आपकी कौन सी है, कनाडा, कनाडा बहुत बड़ी कंट्री है नॉर्थ अमेरिका में। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जैसे फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ अमेरिका सुपीरियर लेक, ये हमने पढ़ लिया। लोएस्ट पॉइंट कौन सा है नॉर्थ अमेरिका का, वो है आपका डेथ वैली, डेथ वैली लोएस्ट पॉइंट है जो नॉर्थ अमेरिका का है, ठीक है। बिगेस्ट जो आइलैंड है प्लैनेट है लोकेटेड नॉर्थ अमेरिका में, वो कौन सा है, पूरे नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा है, यूएसए की बात नहीं कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं, वो आपका ग्रीनलैंड आइलैंड, ठीक है, जो बहुत ही एक बड़ा आइलैंड है, और सबसे बड़ा जो आपका आइलैंड्स हैं जिसको ग्रुप ऑफ आइलैंड बोला जाता है, वो कहाँ पे, इंडोनेशिया में, जैसे आपको बताया था इंडोनेशिया में ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन है, जब दीज कंट्रीज हैव थ्री नेशनल कैपिटल्स, कौन सी कंट्रीज है जिसके थ्री हैव नेशनल कैपिटल्स है, वो आपकी साउथ अफ्रीका है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है विच कॉन्टिनेंट हैव द मोस्ट इंडिपेंडेंट कंट्रीज, कौन सी जो कॉन्टिनेंट की है मोस्ट इंडिपेंडेंट कंट्रीज है इंक्लूडिंग आईलैंड नेशंस, वो आपकी अफेरिका, अफेरिका इंडिपेंडेंट कंट्री है। उसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है इलीस आईलैंड, इलीस आईलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूएसए स्टेट, कहाँ पे, न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटाज क्रूज आईलैंड, आईलैंड इज अ पार्ट ऑफ विद यूएस स्टेट, ये चीज़ का राइट ऑप्शन है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया का ये आइलैंड, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट फिर भी अगर दिमाग में रहेगा, संटा, संटा ही वो रख लो जो क्रिसमस पे आता है, ठीक है, कैलिफोर्निया में संटा आता है, बस इतना याद रखो। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फ्लोइंग लेक इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ग्रेट लेक, इनमें से कौन सी जो लेक है वो पार्ट नहीं है ग्रेट लेक्स का, वो आपकी ग्रेट स्लेव लेक इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रेट लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइग्रा फॉल्स लोकेट करता है, इज लोकेटेड बिटवीन द टू लेक्स विच इज दोस आर, लेक एरी और लेक ओंटारियो के बीच में नाइग्रा फॉल्स करता है, ये चीज़ हमने वहाँ पे देखी मैप पे, शायद वहाँ पे नाइग्रा फॉल्स देखे हमें, चले या क्या मैप क्लियर नहीं हो रहा थोड़ा, चलो क्लियर हो गया, यहाँ पे आ जाइए। अब उसने बात की कि नाइग्रा फॉल की, ठीक है, नाइग्रा फॉल, हाँ लेक्स आ गई इरी और लेक्स आ गई आपके इंटेरियो, इसके बीच में ही कहीं ना कहीं आपका नाइग्रा फॉल होगा, ठीक है, टोरंटो यहाँ पे देखिए कनाडा में है। उसके बाद कोलोराडो, सबसे पहले देखिए मिसिसिपी कहाँ पे है, मिसिसिपी आपको गल्फ ऑफ मेक्सिको में देखने को मिलेगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखी तो सारे ऑप्शन यहाँ पे इलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसका राइट ऑप्शन है वो डी होगा, मिसिसिपी आपको गल्फ ऑफ मेक्सिको में दिखेगी, और सेकंड आपका एस टी लॉरेंस आपको अटलांटिक ओशन, और मैकनीजिन जो आपकी हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका की वो कहाँ पे है, वो आर्कटिक ओशन में है, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये चीज़ स्टार्टिंग में पढ़नी थी, यहाँ पर लास्ट में आ गई, नॉर्थ अमेरिका इज़ ए पोर्शन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट सुपर कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका इज़ अ पोर्शन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट सुपर कॉन्टिनेंट, डू यू नो इफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका आर कम्बाइंड, अगर नॉर्थ और साउथ अमेरिका को कम्बाइंड कर दिया जाए अमेरिका
अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया, ठीक है, इनको कंबाइन कर दिया जाए, टुगेदर दे कंसिडर टू बी ए पार्ट ऑफ द वन सुपर कॉन्टिनेंट। अगर ये सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट का पार्ट बनेंगे, अगर अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया इनको कंबाइन करके जो नाम बनेगा वो बनेगा आपका एफ्रो और एशिया। क्या बनेगा? एफ्रो ओरेशिया। ओरेशिया क्यों है? ओरेशिया मैंने बताया था आपको, ओरेशिया क्योंकि यूरोप में भी है ओरेशिया और थोड़ा पार्ट आपका एशिया में भी है, तो इसलिए ओरेशिया बोला जाता है इसको। तो होप सो गाइस यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, साउथ अमेरिका के कुछ फीचर डिस्कशन करेंगे और MCQs डिस्कशन करेंगे। होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा। ओके गाइस।